राज्य सरकार ने त्योहारों से पहले अंतर्राज्यीय ट्रेन परिचालन से अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन राज्य के अंदर अगर लोकल ट्रेन चलाई जाए तो पूजा के पहले कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा और धीमी गति से चल रहे बाजार को भी रफ्तार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल अंतर्राज्यीय ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि राज्य के अंदर भी कई ऐसे ट्रेनों का परिचालन होता रहा जिससे कई लोगों के रोजगार जुड़े थे। चाहे लोहरदगा टोरी लोकल ट्रेन की बात करें या हटिया राउरकेला, इन सभी ट्रेनों से बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग राजधानी आते थे रोजगार की आस में, और इसमें हर प्रकार के लोग आते जाते हैं, खासकर जो लेबर क्लास के लोग हैं जिनको अपने रोजगार के लिए रांची की तरफ आना है या अपने घर की तरफ जाना है या अलग अलग जगहों पर रुकती है गाड़ियाँ, वहाँ से चढ़ते हैं और रांची की तरफ आते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाई करनी है, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, ये तमाम तरह के लोग आते हैं। रेगुलर भी लोग आते जाते हैं जिनका कुछ बिजनेस पर्पस है या रेगुलर ऐसे भी उनको ट्रैवल करना है। गौर करने वाली बात ये भी है कि लोकल ट्रेन मौजूदा स्थिति के लिए एक सस्ता परिवहन का साधन बन सकता है, जहां कई जिलों से होने वाले छोटे छोटे व्यापार को सस्ता माध्यम मिलने से महंगाई घटेगी, वहीं इनके आने जाने के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध होगा। पर्व त्योहार के पहले अगर इन लोकल ट्रेनों को चालू किया जाता है तो बाजार को भी रफ्तार मिल सकेगी। कि झारखंड सरकार को हमने पहले पत्र लिखा है, मुख्य सचिव महोदय को भी पत्र लिखा है कि झारखंड में जो गतिविधियां रुक गई है आवागमन की, उसको चालू किया जाए, जिससे कि राज्य के अंदर में गरीब गुरबे के गुरबा और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को रोजगार मिले। उनको रोजगार मिलेगा तो काम में गति बढ़ेगी तो सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। आने वाला समय सामने दशहरा का है, दीपावली का है, छठ का है, उसके बाद संक्रांति है, कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्व हैं। झारखंड में रेल न सिर्फ परिवहन का साधन है बल्कि रोजगार का भी माध्यम है, जिसका साफ उदाहरण लोहरदगा टोरी जैसे ट्रेनें हैं। अब जब सामने दशहरा, दिवाली, छठ है, ऐसे में मौका है कि सुस्त बाजार को लोकल ट्रेन चलाकर पटरी पे लाया जा सके। सहयोगी अरविंद के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11,